रौतहट को विजिट में छू, तराई मधेस को विजिट में, तराई मधेस में के कस्तो विकास भएको छ, के कस्तो ग्राउंड जीरो रियलिटी छ म त्यही दिखाइरहे छु। यति बेला म रौतहट र सरलाई जोड्ने यो खरबार खैरबा र रौतहट जोड्ने त्यो नदी को बीच में छु, नदी को बीच भन्नाले अहिले म बागमती नदी को बीच में छु। न बागमती नदी में के कस्तो समस्या छ, यहाँ को ग्राउंड जीरो को रियलिटी के छ, जनताले के कस्तो फेस गर्दै छ, के कस्तो डिफिकल्टीज को सामना गर्दै छ त्यही म दिखाइरहे छु। यति बेला म तपाईलाई सम्पूर्ण दृश्य देखाउँछु। यहाँ रौतहट को बागमती नदी छ, रौतहट को नेपालको नि बागमती नदी, पशुपतिनाथ को मंदिर भएर बग्ने बागमती नदी को बीच में छु। तपाईलाई यहाँ को सम्पूर्ण दृश्य म देखाउने छु। यो हो यहाँ एउटा पुल बन्दै छ, बागमती नदी में एउटा पुल बन्दै छ। पुल को समस्या के बारे में आज को हाम्रो ग्राउंड जीरो को विश्लेषण छ, ग्राउंड जीरो को रियलिटी छ, म त्यही दिखाइरहे छु। सम्पूर्ण नदी को दृश्य म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ मान्छेहरु एकदमै भिड छ, यो धेरै ठुलो बिजी बाटो हो, यो बिजी बाटो मा मान्छेहरु कस्तो सामना गर्दैछ, के कस्तो डिफिकल्टीज को यात्रा गर्दैछ म त्यही दिखाइरहे छु ग्राउंड जीरो को रियलिटी को सन्दर्भ में। यहाँहरुसँग जाने छौ यहाँको समस्या को बारे में। नमस्कार, कति नाम है? सर दिलीप कुमार कुशवाहा। देखो इंटरव्यू दे जाते हैं आपके। कति नाम है? दिलीप कुमार कुशवाहा। दिलीप कुमार कुशवाहा, अब बताओ समस्या के बारे में बताओ अपने सही। यहाँ के जी समस्या तो बहुत हो रहा है नदी के अथी से, काहे कि तो अभी पुल बन रहा है चार पाँच साल से, तो अभी तक एक कोनो अथी ना है कहिया ले बनी ना बनी, काहे कि तो अभी एक देख सकै छी आधे काम भेल है, अभी आधा बाकी है, तो अभी एक कोनो अथी ना कर, बहुत कष्ट हमनी से उनके भोगे के पड़े जाए आबे के लाउड से उनका से जानी थी। ते आगे आ दो। नमस्कार, गांव पालिका में कदी नाम है अपन? हमरा से ना का भागी जो डरै छी। नमस्कार। नमस्कार, की नाम है सर अपन? अरुण कुमार ठाकुर। कदी? अरुण कुमार। घर कहाँ भेलै? खैरबा। खैरबा सर लाई। खैरबा सर लाई। यहाँ अपने ठेकेदार छी? यहाँ के रामनगर गांव पालिका दू। यहाँ के ठेकेदार भेलै अपने? जी। और बताऊ ये पुल के बारे में, समस्या के बारे में हम आयल छी, गाँव घर में घूमे छी। पुल के समस्या तो ये है कि यहाँ नेपाल गवर्नमेंट के मार है, पाँच बजे से कहीं लगल पुल बने अभी उपाय नहीं है, मतलब समस्या सोल्व हो जाए कि गारंटी है ना? समस्या गवर्नमेंट करते हैं, नेता के बस कोई काम थोड़ी है, नेता बना गवर्नमेंट ना, नेता गवर्नमेंट बना बात ठीक बात है, लेकिन समस्या सोल्व तो गवर्नमेंट से पैसा आवे छै ना, नेता के पैसा थोड़ी है। हां, नेता के पैसा, चलो छोड़ ये तो केंद्र सरकार के है। ओ छोड़ बिसले, अपन समस्या के बारे में बताओ, कैसा का डिफिकल्टी छ वाले, अपने सके तो पूरा मालूम है केना रहल। हमने के तो समस्या ई नदी के धार में गड़बड़ है, ऊपर सोने तो सब ठीक है, ऊपर सोने तो अमरेश सिंह नेता है जनबे करै छै, चारो रोड रास्ता हेते है तो उनवारे क्षेत्र के पैसा ना, ये पुल पे तो उनकर क्षेत्र है। और यहां कहां-कहां के यात्री सब बहुत बिजी रहले रोड, पूरा नेपाल के यात्री। हां, ई रोड कहां-कहां जाई, मतलब ई रोड कहां-कहां तक जुड़ल? पूर्व जाई जनकपुर, पश्चिम बीरगंज, जनकपुर बीरगंज गौर। यहाँ पर रात में ही रहे कि? ना ना, यहाँ रात में क्या रहते क्या है? मतलब घटबर से पैसा छोड़ दी हमने, फ्री सेवा रही फ्री सेवा कितना रहे मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल कितना रही? मोटरसाइकिल के 50 रुपया। मोटरसाइकिल 50 रुपया, साइकिल के? साइकिल के 30 रुपया। पैदल जाएगा पड़ी? पैदल तो फ्री जाए छे, कहाँ लोग ढेबा दी ना, तो हो ना बना लैके एक पूरा ठीक हुआ हो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कति के नदी मतलब रक्षा के कि कति कहके के होइ छै? नदी रक्षा के न पारी व्यापारी करे के ए होइ छै त अपने मतलब सर लेके बरसात में डुंगा चलै छै कि कहाँ पे? यहाँ पे ते आगे दिखाबै छै सब न तर सबै नै यो हाम्रो यहाँ को ग्राउंड जीरो को रियलिटी या बनाइएको छ मान्छेलाई यात्रा गर्नको लागि। तब हेर्न सक्नुहुन्छ यो एक हमेशा रहले कि बरसात में केना रहै छै? बरसात में न रहले। कति रहले बरसात में? बरसात में डुंगा रहले, डेंगी रहले। अच्छा, डेंगी में माया को डूबे सकले मरि सकले? हां, तो डूबले मरले ना आदमी। ए कोनो सेफ्टी के गारंटी कोनो गारंटी ले के सरकार रखले कोनो ना रखले, डूब गेल त अपना मरि डूबल से गेल, डूबे से गेल, मतलब भगवान भरोसे जिंदगी बा यहाँ के लोग जिंदगी बा। हां, तसे भी नहीं हो हमरो ग्राउंड जीरो को रियलिटी यहाँ तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ को ग्राउंड जीरो में दिखाई रहेछु, यहाँ को समस्या के बारे में नै म दिखाई रहेछु। यो ग्राउंड जीरो को रियलिटी तपाईलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेन्ट र सुझाव गर्नु होला। तब